हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का थर्ड एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में ये देखा हुआ था कि किस तरीके से कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट किया जा सकता है, जहाँ पे हमने ये भी देखा हुआ था कि दो लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है तो उसका ज्वाइंट इक्वेशन एक हमें होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई के टर्म में मिलता था। यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन, बट ऐसी दो लाइन जो क्या होती है, ओरिजिन से पास नहीं होती है, मीन्स व्हाट, नॉन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। यहाँ पे हम जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई देखने वाले हैं, जो कि क्या होता है, नॉन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। होमोजीनियस इक्वेशन इज व्हाट, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, एंड जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इज व्हाट, नॉन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ठीक है, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई का जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, नॉन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। अगर यही चीज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन होता है तो हमें क्या मिलता है बच्चों, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 0 मिलता है हमें, बराबर है। बट यहाँ पे हम किसके लिए काम कर रहे हैं, नॉन पासिंग थ्रू के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा इक्वेशन का फॉर्म क्या बन जाएगा, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एटलीस्ट वन ऑफ ए बी एच इज नॉट 0, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक 0 नहीं होना चाहिए, मतलब तीन की तीनों 0 हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन का फॉर्म नहीं बनेगा। यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि या तो ए या तो बी या तो एच, तीन में से कोई भी एक नॉन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ रिजल्ट दिए हुए हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होगा एक्सरसाइज 4.3 में। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये हमें मालूम है क्या है बच्चों, हमारा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन नॉन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अ पेयर ऑफ लाइंस। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा कि पेयर ऑफ लाइन, कब करेगा, जब हमारे पास इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्या है ये बच्चों, ए बी सी प्लस 2 टाइम्स एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द व्हाट इक्वेशन, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर इसका वैल्यू 0 मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अ पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम एक अलग तरीके से दिखा सकते हैं, वो फॉर्म कौन सा हमारा, डिटरमिनेंट का फॉर्म है यहाँ पे। अब डिटरमिनेंट के फॉर्म में देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे फर्स्ट रो में ए एच जी, देन नेक्स्ट इज व्हाट, एच बी एफ, देन जी एफ सी। ठीक है, अगर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 मिलता है तो भी हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है ये क्या है, पेयर ऑफ लाइन से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दोनों सेम ही फॉर्मूला है, यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख के दिखाया हुआ है, इसी चीज को हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख के दिखाया हुआ है। बाय डिटरमिनेंट अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें वापस ये इक्वेशन मिलने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा केस क्या हमारे पास, ये इक्वेशन जो है हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेगा। कब कर सकता है यहाँ पे, जब हमारे पास एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, आइदर ग्रेटर और इक्वल 0 है, तो क्या होगा, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। अगर ये लेस देन 0 हो जाएगा सो डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस। थर्ड पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, एच एफ माइनस बी जी डिवाइडेड बाय ए बी माइनस एच स्क्वायर कॉमा जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। ये क्या है बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो इक्वेशन है किसी दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है, वो दो लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो हम इसके हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट नाउ वी विल मूव ऑन अवर एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन
फर्स्ट क्वेश्चन, पासिंग थ्रू दी 2, -1 एंड पैरेलल टू 2x² + 3xy - 9y² = 0। ध्यान देना बच्चों, ये जो इक्वेशन हमारा है ये है होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। अब होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है, दो इक्वेशन का कंबाइन जो कि ओरिजिन से पास होती है। बट यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, ऐसी दो लाइन का कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट करना है, जिसको हम ज्वाइन भी बोल सकते हैं, ऐसी दो लाइन का कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो इन दोनों को पैरेलल होगी और साथ साथ में वो क्या हो रहा है, 2, -1 से पास हो रहा है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे गिवन इक्वेशन से। गिवन इक्वेशन इज व्हाट, 2x² + 3xy - 9y² = 0। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² + 2hxy + by² = 0। कंपेयर करते हैं तो यहां से हमें a का वैल्यू क्या मिलता है, 2 मिलता है, 2h का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 3, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, और यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू मिलने के बाद अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन दिया हुआ है वो दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है, तो अगर ये दो लाइन का कंबाइंड है मतलब दो लाइन है, दो लाइन होने का मतलब उसके पास दो स्लोप भी हो सकते हैं। फर्स्ट लाइन का स्लोप हम m1 बोलेंगे, सेकेंड लाइन का स्लोप हम m2 बोलेंगे। सो से हियर लेट m1 एंड m2 बी दी टू स्लोप्स ऑफ द गिवन लाइन्स, ठीक है। दो स्लोप है, बाय द फॉर्मूला हमें मालूम है कि सम ऑफ टू स्लोप क्या होता है, -2h/ भी होता है, एंड व्हाट इज प्रोडक्ट, m1 × m2 = a/b होता है। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू को पुट करता हूँ -2h, वैसे 2h का वैल्यू हमारे पास कितना है, 3 है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं -3/b, b = -9, एंड व्हाट इज प्रोडक्ट, a/b, a = 2, b = -9, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं therefore m1 + m2 -minus cancel, 3 1 जा 3 3 जा, इसको हम 3/9 बोले या फिर 1/3 बोले, ये हो गया हमारा सम ऑफ टू स्लोप्स। एंड नेक्स्ट इज व्हाट यर प्रोडक्ट, m1 × m2 इज व्हाट, -2/9, ठीक है। हमने यहाँ पे m1 m2 क्या बोला हुआ है, स्लोप बोला, किसका, जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है। अब हमें क्या फाइंड करना है, कंबाइंड इक्वेशन रिक्वायर्ड लाइन का, बट जो रिक्वायर्ड लाइन हो क्या है, इसको पैरेलल है, और जैसा कि हमें मालूम है कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल होती है तो उनका स्लोप क्या होता है, सेम ही होता है। तो यहाँ पे दो लाइन है m1 एंड m2, उसका स्लोप है, तो जो उस लाइन को पैरेलल होगी तो उसका भी स्लोप क्या होगा, सेम ही होगा। मतलब फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है, तो जो उसको पैरेलल होगी उसका भी स्लोप क्या होगा, m1 होगा। सेम फॉर सेकेंड लाइन, उसका स्लोप क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बोलेंगे सिंस required lines are parallel to the given lines, so therefore slopes are m1 and m2 ही होने वाला है, वही होगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए हमारे पास क्या हो गया, स्लोप, ये किसका स्लोप हो गया, पैरेलल होने की वजह से उसका स्लोप भी सेम ही होगा, m1 एंड m2 ही होगा, और साथ साथ में किससे पास हो रही है, एंड पासिंग थ्रू व्हाट पॉइंट, 2, -1 से पास हो रही है, पासिंग थ्रू 2, -1। अब यहां पे देखिए बच्चों, हमें जिसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है उसका हमें स्लोप मालूम है और उसका हमें पासिंग थ्रू पॉइंट मालूम है, तो यहां पे हम क्या यूज करने वाले हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म। Therefore, by slope point form, what is slope point form? y - y1 = mx - x1. M क्या होगा? Slope होगा. x1 y1 क्या होगा? Passing through point 2, -1 हो जाएगा. ठीक है?
अब यहां से हम दो इक्वेशन फाइंड करेंगे, देयरफोर इक्वेशंस आर y माइनस वाई वन, वाई वन कितना हमारे पास माइनस वन इज इक्वल टू m, m कितना है स्लोप m1, x माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना अपने पास टू, एंड सेकेंड इक्वेशन सेम वही होगा y माइनस वाई वन, सिर्फ चेंजेस क्या होगा स्लोप चेंज हो जाएगा m2 x माइनस टू हो जाएगा, बराबर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, अगर तो हमें क्या मिलता है यहां से y प्लस वन एम वन एक्स माइनस टू, वाई प्लस वन एम टू एक्स माइनस टू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको यहां पे लेके आ जाएंगे तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा एम वन एक्स माइनस टू वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, एंड हियर सेम एम टू एक्स माइनस टू वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये दो इक्वेशन क्या हो गए हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन के इक्वेशन हो गए, क्या हो गया यहाँ पे रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे इसका कंबाइन फाइंड करेंगे, तो इसका कंबाइन कैसे होगा यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो देयरफोर जॉइंट इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता हमें यहाँ पे एम वन एक्स माइनस टू वाई प्लस वन इंटू सेकेंड एम टू एक्स टू माइनस वन वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पे हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो वन बाय वन फर्स्ट हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है आपको यहां पे एम वन इंटू एम टू ब्रैकेट में आएगा एक्स टू माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, देन अब इसको इसे मल्टीप्लाई करते हैं यहां पे तो हमें क्या मिलता है माइनस एम वन एक्स माइनस टू वाई प्लस वन। नाउ नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा है अपने यहाँ पे माइनस एम टू एक्स माइनस टू वाई प्लस वन, देन लास्ट वन ईयर माइनस माइनस प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। देयरफोर एम वन एम टू x माइनस टू का होल स्क्वायर, अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे x माइनस टू वाई प्लस वन, एक्स माइनस टू वाई प्लस वन को कॉमन ले लेते हैं और साथ साथ में यहाँ पे देखेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा माइनस एम वन प्लस एम टू ब्रैकेट में मिल जाएगा हमें x माइनस टू वाई प्लस वन, एंड देन हियर वाई प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास देखिए क्या मिल गया यहाँ पे, ये हमारा कंबाइंड इक्वेशन है m1 m2 x माइनस टू का स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 x माइनस टू y प्लस वन प्लस y प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो मिल रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। बट हमें यहाँ पे जैसा कि मालूम है हमारे पास सम ऑफ टू स्लोप का वैल्यू कितना है 3 बाई नाइन या फिर 1 अपॉन 3 बोलिए, और व्हाट इज प्रोडक्ट हियर माइनस 2 बाई नाइन। अब इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे लाके यहाँ पे पुट करने वाले हैं, तो पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ से therefore what is product here minus 2 by 9 हमारे पास ये हो जाएगा minus 2 by 9 x minus 2 का square minus what is here m1 plus m2 हम यहाँ पे 3 by 9 ले लेते हैं 3 by 9 ले लिया तो हमें क्या मिल जाएगा ये x minus 2 y plus 1 और यहाँ पे हमें मिलेगा y plus 1 का whole square is equal to 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा जॉइंट इक्वेशन हो जाएगा। सो देयरफॉर अब यहाँ पे क्या करेंगे इसका डिनोमिनेटर 9 है इसका डिनोमिनेटर 9 है इसको भी सेम करने के लिए हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो फाइनल में क्या मिल जाएगा ये माइनस टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस वन, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों क्या 9 ले लेंगे तो y प्लस वन का होल स्क्वायर एंड देन वॉट होल डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू जीरो। अब 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम पूरे ब्रैकेट को ओपन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से ये माइनस टू होगा यहाँ पे माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस फोर एक्स देन वॉट इज ईयर प्लस फोर ये है माइनस थ्री इसको ओपन करते हैं तो हमें मिलता है एक्स वाई प्लस एक्स माइनस टू वाई देन माइनस टू देन प्लस
9 यहाँ पे ओपन किया तो y स्क्वायर 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब नंबर्स ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। देयरफोर ये क्या मिल जाएगा हमें, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8 यहाँ पे ओपन किया तो माइनस 3xy माइनस 3x प्लस 6y प्लस 6 यहाँ पे ओपन किया तो 9y स्क्वायर प्लस 18y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट, माइनस 2x स्क्वायर, उसके बाद हम बोल सकते हैं यहाँ पे इसको अरेंज कर लेते हैं 8x, ये हो गया हमारे पास 8x, यहाँ पे है 3x, इसको हम बोल देंगे व्हाट प्लस 5x, देन माइनस 8 प्लस 6 इज अ माइनस 2 प्लस 9 इज अ प्लस 7। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे बोल देंगे माइनस 3xy देन प्लस 6y प्लस 18 इज अ प्लस 24y देन 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफोर इसको हम अरेंज कर लेते हैं, ये हमें मिल जाएगा माइनस 2x स्क्वायर देन माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 24y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, ये 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज व्हाट आवर जॉइंट इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड सेम एज अ प्रीवियस वन, पासिंग थ्रू 2, -3 एंड पैरेलल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें क्या फाइंड करना है, कंबाइंड इक्वेशन दो लाइन का जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इस दो को पैरेलल है, तो सेम यहां पे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विद गिवन लाइन हियर, गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें a का वैल्यू मिल जाएगा व्हाट 1, 2h का वैल्यू मिलेगा 1 एंड b का वैल्यू क्या मिल जाएगा माइनस 1। अब यहां पे हम स्लोप लेने वाले हैं, लेट m1 एंड m2 बी दी टू स्लोप्स ऑफ दी गिवन लाइन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर m1 m2 मेरे पास दो स्लोप है तो इसका सम क्या होगा बच्चों, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी एंड व्हाट इज प्रोडक्ट a बाई बी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम वैल्यू को पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा माइनस 1 अपॉन माइनस 1 और यहाँ पे पुट किया तो क्या मिल जाएगा हमें 1 अपॉन माइनस 1। तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू व्हाट 1 एंड व्हाट इज प्रोडक्ट हियर माइनस 1। ठीक है, अब ये तो हमारा क्या हो गया, दो स्लोप हो गया था जो गिवन लाइन दिया हुआ था हमारे पास, बट हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विच आर पैरेलल। अब पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, सिंस रिक्वायर्ड लाइन्स आर पैरेलल टू the given lines, ठीक है, तो slopes क्या हो जाएगा, same m1 and m2 slope तो same ही होगा and passing through, और वो किससे पास हो रही है, एक point से पास हो रही है, वो point क्या है हमारे पास 2,
माइनस थ्री, टू कॉमा माइनस थ्री है। अब टू कॉमा माइनस थ्री हो गया तो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप एम वन एंड एम टू है, पासिंग किससे हो रही है, टू कॉमा माइनस थ्री से, तो हम क्या बोल देंगे, देयरफोर बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो यहां से हमें इक्वेशन क्या मिलेगा बच्चों, दो इक्वेशन मिलेगा, एक का स्लोप एम वन है, दूसरे का स्लोप एम टू है, और पॉइंट क्या है, दोनों के लिए सेम ही है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, वाई माइनस ऑफ वाई वन, ये हो जाएगा वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू एम वन एक्स माइनस टू, और यहाँ हो जाएगा वाई प्लस थ्री एम टू एक्स माइनस टू। अब हम क्या करेंगे, इसको वहां पे शिफ्ट कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा एम वन एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से हमें भी मिल जाएगा एम टू एक्स माइनस टू माइनस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का कंबाइंड फाइंड कर लेते हैं, क्या फाइंड कर लेंगे यहाँ पे, कंबाइंड इक्वेशन। तो हमें कंबाइंड क्या मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे, देयरफोर कंबाइंड इक्वेशन, हाउ टू फाइंड कंबाइंड इक्वेशन, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, एम वन एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री, एम टू एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब कंबाइन के लिए क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो वन बाय वन वी विल ओपन ब्रैकेट हियर, फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एम वन एम टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलता है हमें यहाँ पे, एम वन एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलता है यहाँ से एम टू वाई प्लस थ्री एक्स माइनस टू, देन लास्ट वन माइनस माइनस प्लस वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। देयरफोर एम वन एम टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, अब इन दोनों टर्म में से हम क्या करते हैं, x माइनस टू वाई प्लस थ्री, एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री को कॉमन ले लेते हैं, और साथ साथ में हमारे पास दोनों के पास माइनस भी है तो माइनस भी बाहर ले लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा ये एम वन प्लस एम टू, और यहाँ मिल जाएगा x माइनस टू वाई प्लस थ्री, एंड देन लास्ट टर्म y प्लस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, बराबर है। चलिए अब ये होने के बाद ये हमारा क्या हो गया, कंबाइंड इक्वेशन हो गया, बट यहाँ पे जो हमारे पास है दो स्लोप का प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, दो स्लोप का सम दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू मिली हुई थी वहां से हम लाके वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसा कि देखो हमारे पास यहाँ पे क्या मिला हुआ था, सम ऑफ टू स्लोप इज वॉट वन, नोट इज प्रोडक्ट माइनस वन, इन वैल्यू को लाके हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, नोट इज प्रोडक्ट ईयर माइनस वन, ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, नोट इज सम ईयर वन, तो ये हो जाएगा x माइनस टू एंड y प्लस थ्री, देन लास्ट टर्म इज y प्लस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। नाउ वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई, देयरफोर माइनस, इसको ओपन किया है माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो x स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर माइनस वन, इसको ओपन करते हैं तो हमें मिलता है एक्स वाई प्लस थ्री एक्स माइनस टू वाई माइनस सिक्स, प्लस इसको ओपन किया तो वाई स्क्वायर सिक्स एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हम पूरे ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ये मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स एंड देन ये माइनस फोर, इसको ओपन किया तो साइन चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे सेम एज इट इज हियर, वाई स्क्वायर प्लस दिस इज व्हाट सिक्स वाई, सिक्स वाई प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। नाउ वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई हियर, देयरफोर ये है माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये है ये फोर एक्स है, देन दिस इज व्हाट माइनस थ्री एक्स, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों प्लस एक्स, उसके बाद नंबर माइनस फोर प्लस सिक्स इज अ टू,
2 plus 9 is 11, then minus xy, उसके बाद है 2y plus 6y is 8y, and then y square is equal to 0. इसको अरेंज कर लेता हूं अगर मैं, तो हमें मिल जाएगा x square minus xy plus y square plus x plus 8y plus 11 is equal to 0. मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्रू आउट ईयर, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एट वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज व्हाट अवर कंबाइंड इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, शो दैट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन. ठीक है, हमें यहाँ पे क्या शो करना है, जो इक्वेशन है वो क्या है, डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन. सो अगेन, जैसा कि हमें मालूम है क्या, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ लाइन. अगर ये नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन. या तो फिर हम यहाँ पे इन दोनों को भी यूज कर सकते हैं, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर हमें 0 मिलता है तो रिप्रेजेंट होगा पेयर ऑफ लाइन, नहीं मिलेगा तो डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन. ठीक है, तो यहाँ पे हम ये यूज कर लेते हैं एच स्क्वायर माइनस ए बी का कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, उसको फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं. तो गिवेन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 कंपेयरिंग विथ, सो कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, जनरल फॉर्म से. व्हाट इज जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. अब इससे अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे ए का वैल्यू क्या मिलता है, यहाँ से ए इज अ 1. व्हाट इज टू एच का वैल्यू, टू एच इज अ 2. टू एच एक्स वाई टू एक्स वाई, टू एच का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो व्हाट इज एच ईयर 1. बी का वैल्यू हमें क्या मिलता है, यहाँ से 2 मिल जाएगा. व्हाट इज टू जी, टू जी इज अ 2, सो व्हाट इज जी 1. सेम ईयर, व्हाट इज टू एफ, टू एफ का वैल्यू 2 है, तो f की वैल्यू क्या है, 1 हो जाएगी यहाँ पे, और c का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे हमें क्या शो करना है कि डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ए बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. अगर हमें इसका वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिलता है तो रिप्रेजेंट करेगा, नहीं मिलेगा तो डज नॉट रिप्रेजेंट हो जाएगा. बराबर है, तो एच की वैल्यू कितनी मेरे पास, 1, ये 1 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए का वैल्यू 1 इंटू बी, बी इज वॉट 2 हो जाएगा, ये क्या जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, दिस इज वॉट माइनस 1. तो यहाँ पे हम बोल देंगे देयर फोर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस 1, विच इज वॉट लेस देन 0, ना ही ग्रेटर देन 0 है ना ही इक्वल टू 0 है, मतलब क्या हो गया, डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन. सो देयर फोर द गिवेन इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट pair of lines. Question number third, show that the equation represent a pair of lines 2x square minus xy minus 3y square minus 6x plus 19y minus 20 is equal to 0. हमें show करके दिखाना है कि जो equation क्या represent कर रहा है, pair of line. सो स्टार्ट विथ हियर, हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, वहां से वैल्यू को फाइंड करके एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, और यहाँ पे हमें शो करना है, मतलब वो या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो इक्वल टू 0 होना ही चाहिए. तो स्टार्ट विथ हियर गिवन इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 19y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 कंपेयरिंग विथ
कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ए का वैल्यू में क्या मिलता है, टू मिलेगा, टू एच का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, माइनस वन मिलेगा, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन बाई टू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें बी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, माइनस थ्री, नोटिस टू जी, टू जी इज माइनस सिक्स, तो जी का वैल्यू जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा। यहाँ से हमें मिल जाएगा टू एफ का वैल्यू, वॉट इज टू एफ, नाइनटीन, सो वॉट इज एफ, नाइनटीन बाई टू हो जाएगा। तो उसके बाद सी की वैल्यू कितनी जाएगी, सी इज माइनस ट्वेंटी। तो यहाँ से हमने कंपेयर करके सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया हुआ है। अब हमें क्या शो करना है, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो एच की वैल्यू कितनी है, माइनस वन बाई टू का स्क्वायर माइनस ए बी, ए का वैल्यू टू, बी का वैल्यू माइनस थ्री। उसको सॉल्व करते हैं हम, क्या मिल जाएगा, ये वन बाई फोर हो जाएगा और ये प्लस सिक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वन प्लस ट्वेंटी फोर अपॉन फोर विच इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव बाई फोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे देयरफोर एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू है क्या, ट्वेंटी फाइव बाई फोर विच इज वॉट, ग्रेटर देन जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया मतलब क्या हो गया, देयरफोर द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर्स ऑफ लाइन्स। क्वेश्चन नंबर फोर, शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन्स, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन ईच पेयर, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, हमें शो करके दिखाना है कि वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, पेयर ऑफ लाइंस कर रहा है। साथ साथ में हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जिस दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है उनके बीच का हमें एंगल भी फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, सो अगेन सेम एज प्रीवियस वन, फर्स्ट कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे हम, गिवेन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, कंपेयरिंग विथ, कंपेयर कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इससे मैं अगर कंपेयर करता हूँ तो यहाँ से हमें वैल्यूज क्या मिल जाएगी, ए का वैल्यू हमें टू मिलता है, 2h का वैल्यू हमें 1 मिलेगा, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई टू हो जाएगा। b का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, माइनस वन, यहाँ से हमें 2g का वैल्यू 1 मिलेगा, तो वो डी जी 1 बाई टू हो जाएगा। यहाँ से हमें 2f का वैल्यू 4 मिलेगा, सो वो डीज f, f इज 2 मिल जाएगा और c का वैल्यू क्या मिल जाएगा, माइनस थ्री मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे, एच की वैल्यू कितनी हमारे पास है, वन अपॉन टू का स्क्वायर माइनस ए बी, ए इज वॉट, हमारे पास टू दिया हुआ है, बी का वैल्यू कितना है, माइनस वन है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे वन बाई फोर प्लस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वन प्लस एट अपॉन फोर एंड दिस इज वॉट, नाइन बाई फोर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू कितना हो गया, नाइन बाई फोर एंड दिस इज वॉट, ग्रेटर देन जीरो हो गया। सो देयर फोर हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या है, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। सो देयर फोर द गिवेन इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ लाइन्स। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, इसके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो एंगल के लिए हम क्या करेंगे यहां पे, सो विल से हियर
लेट थीटा बी एन एक्यूट एंगल। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड टू टाइम्स रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को आके पुट करने वाले हैं, तो क्या मिलता है हमें यहाँ से, टू टाइम्स रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी। एच की वैल्यू कितनी हमारे पास है, वन अपॉन टू है, सो वन बाई टू का स्क्वायर माइनस ए, ए इज टू इंटू बी, बी इज माइनस वन एंड होल डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ए इज टू प्लस बी का वैल्यू माइनस वन, इज इक्वल टू मॉड टू टाइम्स रूट ऑफ, ये हो जाएगा हमारा वन बाई फोर प्लस टू डिवाइडेड बाय टू माइनस वन देन टू रूट ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर टू जा एट प्लस वन नाइन, नाइन बाई फोर डिवाइडेड बाय वन। ठीक है, अब यहां से हम रूट फाइंड करेंगे तो टू ये हमें मिल जाएगा थ्री बाई टू डिवाइडेड बाय वन, ये टू कैंसल, हमें क्या मिल जाएगा फाइनली मॉड थ्री मिलेगा, मॉड थ्री इज वॉट थ्री, तो यहां से हम बोल सकते हैं टेन थीटा का वैल्यू कितना हो गया, थ्री हो गया, बट हमें क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, तो थीटा बोल देंगे यहां से टेन इनवर्स थ्री, ये हो गया हमारा एंगल।